दबे कुचले मूल निवासी समाज व नारी समाज को बराबर का हक अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। हम अपनी माँ बहनों को नमस्कार करते हुए, जब बाबा साहब ने भारत का संविधान नहीं लिखा था, उस समय हमारे समाज को धर्म से दूर रखा गया। जब संविधान बनकर लागू हुआ तो हमारे समाज को धर्म के साथ चिपका दिया गया। 26 जनवरी 1950 के पहले रामायण, गीता, वेद पुराण, महाभारत जैसी पुस्तकें सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होते ही वह सारी पुस्तकें ब्राह्मणों ने SC ST OBC को थमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। वह संविधान आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने संविधान उठाकर देखा तक नहीं। वह वकील, जज, नेता बन गए, हमारे समाज के लोग भक्त बन गए। इसलिए आज आप सभी मूल निवासियों से अनुरोध है कि संविधान को पढ़िए और आगे बढ़िए। गीता रामायण पढ़ने से आप जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते। अब समय आ गया है इस पाखंडवाद से बाहर निकलने का। वक्त रहते संभल जाओ, वरना गुलामी की बेड़िया तुम्हारा इंतजार कर रही है, फिर समय नहीं मिलेगा। जहाँ ऊंच नीच की व्यवस्था हो वो धर्म नहीं, गुलाम बनाने की साजिश है। ब्राह्मण ना तो भूतों से डरता है, ना किसी भगवान से डरता है। वो डरता है SC ST OBC से, जो कि शूद्र है। वो डरता है SC ST OBC को बराबर का अधिकार देने से। वो डरता है सबकी समानता से। अगर सब समान हो गए, कोई नीच नहीं रहेगा, तो वो ऊंचा कैसे रहेगा। वो डरते हैं अपने फैलाए हुए अंधश्रद्धा से, कहीं ये मूल निवासी समाज इससे बाहर न निकल जाए। वो डरते हैं जाति आधार पर आरक्षण देने से। अगर जाति आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ये तो ये मूल निवासी समाज तरक्की कर लेगा, खुद जगेगा, औरों को जगाएगा, एकजुट हो जाएगा। और एक जब एकजुट हो जाएगा मूल निवासी समाज, तो ये भारत देश का नियंत्रण मूल निवासी समाज के हाथों में आ जाएगा। फिर वो न्यायपूर्ण, समतापूर्ण इस देश को चलाएगा, उसका काला चिट्ठा निकालेगा, उसे दंडित करेगा। इसलिए किसी भी हाल पर वो आपको एक नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जितने लोग मारे जाए, चाहे जितनी लाशें बिक जाए, चाहे देश हजारों साल पीछे क्यों ना चला जाए, वो आपको एकजुट नहीं होने देंगे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं, उनको अपने स्वामित्व से, अपने वर्चस्व से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, इस देश के मूल निवासियों से, शोषित वंचित पिछड़ों से अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। जो तुम्हें हीन समझे, नीच समझे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें तिरस्कार करे, उसके आगे झुको ना, उसका डट कर मुकाबला करो। शिक्षित बनो, शिक्षा रूपी हथियार से ही तुम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, अपने आप के अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। संगठित हो, संगठित होकर अपने आप को सबल बनाओ। ज्यादा ना कहते हुए कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। खुरपी छोड़ो, कलम उठा लो, अब ज्योतिबा ना आएंगे। खुरपी छोड़ो, कलम उठा लो, अब ज्योतिबा ना आएंगे। अंधविश्वास पाखंड मिटाने अब पेरियार ललई ना आएंगे। लड़ो लड़ाई अधिकारों हित, अब बिरसा उधम सिंह ना आएंगे। संविधान अनमोल।